खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले के करनपुर स्थित 201 कोबरा सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। यहां सीएम साय ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। वहीं सभी जवानों ने नम आंखों से शहीद जवानों को विदा किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जवानों के हौसले बुलंद हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। शायद नक्सलियों को विकास पसंद नहीं है, यही बौखलाहट में ऐसा काम कर रहे हैं। बस्तर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहाँ पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ।